एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जी है जिसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति हो वो सेहत स्कीम के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकता है। हेल्थ क्षेत्र में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर परिवार के पास 5 लाख रुपए का पेइंग कैपेसिटी सरकार ने ही जनरेट कर दिया है, 5 लाख रुपए हर परिवार का, और लगभग 94,990 लोग आज तक इसका फायदा ले चुके हैं और उनका पेमेंट भी हो चुका है। तो हेल्थ सेक्टर में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं अर्बन की बात करता हूं, 56,000 नए घर बनाए जा रहे, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर जैसे कम अर्बन एरिया वाले इस राज्य के अंदर 56,000 नए घर गरीबों के लिए बनाए जाए, उसमें से 10,500 घर बनाकर उनको दे दिए गए। जो बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण जम्मू कश्मीर के विकास में क्या फर्क पड़ा है। ग्रामीण के तहत लगभग 1,36,722 घरों की स्वीकृति कर दी गई, 1,36,722 लोग घर के बगैर छत के बगैर रहते थे, आजादी के 70 साल के बाद वो सभी को घर की स्वीकृति दे दी है और उसमें से 47,323 लोगों को घर देने का काम समाप्त हो चुका है। जो पूछना चाहते हैं क्या फर्क पड़ गया, उनको मैं बताना चाहता हूं ये फर्क पड़ गया, 70 साल में आपने लगभग 2,20,000 लोगों को घर भी नहीं दे पाए थे, 2,20,000 लोगों को शौचालय नहीं दे पाए थे, 2,20,000 परिवारों को आप बिजली नहीं दे पाए थे, 2,20,000 से ज्यादा परिवार पूरे जम्मू कश्मीर को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 1-2-3 साल के समय के अंदर इस सभी चीजों को पूरा किया है। यह परिवर्तन आया है जम्मू कश्मीर।